सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडोके के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इससे 20 लीग का फाइनल मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे चले, ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 11 फरवरी को इंडिया टाइम के अनुसार शाम के 8 बजे यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी द वॉन्डर स्टेडियम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम फॉर्म, चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहली टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स की बात करें तो जहां पे 5 मैचेस 4 मैच विन है तो 1 मैच लॉस करके आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की बात करें तो 5 मैचेस 3 मैच लॉस है, 2 मैच विन करके आ रही है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो टीम फॉर्म में प्रिटोरिया कैपिटल्स आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेस में, तो जहां पे प्रिटोरिया कैपिटल्स 2 मैच जीत के आ रही है, वहीं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 0 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड में हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ भी प्रिटोरिया कैपिटल्स आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे प्रिटोरिया कैपिटल्स का 70% देखने को मिल रहा है, तो वहीं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का 50%। एवरेज स्कोर की बात करें तो प्रिटोरिया कैपिटल्स का 156 है, तो वहीं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का 163 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो प्रिटोरिया कैपिटल्स का 226 है, तो वहीं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का 213 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो प्रिटोरिया कैपिटल्स का 84 है, तो वहीं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का 127 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी प्रिटोरिया कैपिटल्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच पिच पे कैसा होने वाला था? फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो जहाँ पे 163 बन सकते हैं, वहीं सेकेंड इनिंग की बात करें तो 148 बनने की संभावना है। इस पिच पे अभी तक टोटल 6 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पर बैटिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, वहीं बॉलिंग करने वाली टीम को कम सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो वो मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रख सकती है, क्योंकि इस पे इजीली वे में मैच डिफेंड करा सकते हैं और चेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस पिच पे। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करें तो पहली टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स की बात करें तो नो डाउट काफ़ी जबरदस्त टीम है। स्टार्टिंग से ही देखें तो काफ़ी अच्छा फॉर्म में चल रही है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। फाइनली वो फाइनल मैच में आ चुकी है। वहीं अगर दूसरी टीम अगर सनराइजर ईस्टर्न कैप की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी अच्छी जबरदस्त टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी जबरदस्त धमाकेदार मैच होगा, क्योंकि फाइनल मैच है तो दोनों टीम पूरी कोशिश करेगी मैच जीतने के लिए, क्योंकि जो भी मैच जीतेगी वो कप लेके जाएगी 2023 का। तो अब दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस, अब आगे बढ़ते हैं स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स के की प्लेयर की बात करें तो फिलिप सॉल्ट, रिली रोशो, विल जैक, अदिल राशिद। वहीं दूसरी टीम सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की प्लेयर की बात करें तो जॉर्डन कॉक्स, टॉम ओबेल, जेजे स्मूथ्स, ब्रीडॉन कार्स, ये रहे हैं दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए प्रिटोरिया कैपिटल्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।